हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समाज के पितामह और वैश्य समाज का संस्थापक कहे जाते हैं। वहीं महाराजा अग्रसेन की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। वहीं राजधानी शिमला स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सभा द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अग्रवाल सभा के समस्त कार्यकारिणी मौजूद रही। वहीं अग्रवाल सभा के सचिव ने बताया कि आज महाराजा अग्रसेन की 5040वीं जयंती है, जिसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर सभी सदस्यों ने पहले पूजन कर फिर उनकी चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उन्होंने बताया कि भारत के राजाओं में सबसे दयालु और परोपकारी राजा महाराजा अग्रसेन रहे हैं, उन्हीं की याद में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि सबको आपको विदित है कि महाराज अग्रसेन जी की जयंती हर साल हम मनाते हैं, इस बार 5046वीं उनकी जयंती है, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं। बहुत से सारे मेंबर करीब करीब यहाँ आए हुए हैं और महाराज जी की याद में हम ये जयंती इसलिए मनाते हैं कि हमारे जो महाराज अग्रसेन महाराज जी थे, वो भी एक ऐसे राजा थे कि जो उनके दरबार में, जो उनके स्टेट में रहने के लिए आता था, उनको एक ईंट और एक रुपया वो अपनी तरफ से देते थे। वो सबको स्वागत करते थे, रल मिल के रहते थे और बड़े दया भावना उनमें थी। जितने भी राजा हमारे हुए हिंदू, उनमें सबसे ज़्यादा काइंड और परोपकारी जो है वो महाराज अग्रसेन जी रहे। हम उनकी सब आगे औलाद हैं, तो उनकी याद में हम हर वर्ष जो है महाराज अग्रसेन जी की जयंती मनाते हैं, जो हर साल पहले नवरात्रे को आती है। परंतु हम, क्योंकि पहला नवरात्रा हमेशा इतवार को नहीं पड़ता, तो इसलिए हम पहले नवरात्रे के बाद जो भी इतवार आता है तो हम संडे को ये मनाते हैं। तो आज हमने, जैसा आपने देखा है कि यहाँ पहले पूजन हुआ, फिर माल्यार्पण हुई, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट का हमने इंतज़ाम किया हुआ था, उसके बाद लंच का इंतज़ाम किया हुआ है। तो हमको बड़ी खुशी है और बड़े प्रसन्नता के साथ हमने उत्सव मनाया है।